सर ये क्या चीज़ हाथ में लिए हुए हैं? ये हमारा लड़का एक MBA किया हुआ है, हाँ। उसका नाम है अशरफ आलम। अच्छा, ये जो है ये ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए के उद्देश्य से किसानों को ये जैविक खेती की तरफ, वो है मरने का उद्देश्य है उनका। अच्छा, उनका सपना तो बहुत बड़ा है। ये दो भाई मिलके ये जैविक खेती का प्रयोग कर रहा है अभी। अच्छा, इसमें विभिन्न तरह का सब्जी वगैरह लगाया है। इनका मकसद ये है कि ये जो आलू वगैरह या सब्जी वगैरह, ये जहर यूज जो उसमें स्प्रे के द्वारा या केमिकल रासायनिक खाद के द्वारा इतना प्रयोग किया जा रहा है कि लोगों को इससे बीमारी का भारी प्रकोप हो रहा है, और ये खेत भी रासायनिक खाद उपयोग करने, ज़्यादा उपयोग करने से ये इनकी उर्वरक शक्ति जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो सरकार का भी एक मंशा है और हमारा भी ये मिशन है कि लोगों को जैविक खेती की तरफ जो है प्रोत्साहन करने के लिए ये प्रैक्टिकल किया जा रहा है। इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है? इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि एक टहनी को हम टमाटर तोड़े हैं, इसका तो जो किसान होगा वो समझ सकता है कि इसका यील्ड कैसा होगा। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं अभी तो इसका रिजल्ट यील्ड के विषय में तो हम नहीं पूर्ण रूप से बता सकते हैं कि यील्ड क्या है जी। लेकिन इसका सब्जी जो हम लोग उपयोग किए हैं, इसको विभिन्न जगह में एक प्रैक्टिकल के रूप में या इसको उपयोग करने के लिए रूप में हम लोग कुछ जगह भेजे हैं इसको कि आप इसको यूज करिए और हमको अंतर बताइए कि ये रासायनिक खाद और जैविक खाद, ये दोनों के उपयोग करने से दोनों में क्या अंतर है। एक और बहुत बड़ा है कि उर्वरक क्षमता जो है वो भी बरकरार रहेगा जमीन का, जो अभी खत्म हो रहा है रासायनिक खाद यूज जी, करके जी, ये सबसे बड़ा फायदेमंद। जिस तरह से कि पंजाब में रासायनिक खाद यूज किया गया, अब उसका जो है कि 400 450 फीट अंदर जो है उसका पानी का लेयर चला गया और जमीन जो है ऊपर से पत्थर हो रहा, यही सब रिसर्च के बाद सरकार। अच्छा, एक चीज बताइए, ये टमाटर अभी कितने में आप लगाए हैं? जी टमाटर तो अभी हमारा एक कट्ठे का है। अच्छा, एक कट्ठा में रासायनिक खाद कितना इस्तेमाल लोग करते हैं और ये जो आप खाद यूज किए हैं जैविक खाद, ये कितना यूज किए, कितने का यूज किया, अमाउंट थोड़ा बताइए। ये अमाउंट में जीरो समझिए, दोनों का अंतर है। जीरो का अंतर है, चूंकि ये हम अपना खाद जो है कि वो बना है उसका हम दूसरी जगह स्टॉल लगाए हैं जो कि आप उसको देख सकते हैं। अभी किसान है ना जी? क्या नाम हुआ आपका? नबी हुसैन। अच्छा, ये खेती के बारे में क्या जान रहे हैं आप? इस खेती के बारे में तो हमारा ये जो है अशरफ आलम नया लगाया है, यूज कर रहा है। अच्छा, और इसको जो है प्रोडक्ट खाए हैं कि नहीं इसमें? नहीं, अभी तो नहीं खाए हैं, फर्स्ट ईयर लगा है। अच्छा अच्छा, अब तो लग गया है तो खाएंगे ही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। आपका नाम? मोहम्मद आबिद। अच्छा, ये खेती कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है देखने में और स्वाद भी लगता है, हम तो खाए हैं इसका। अच्छा, टमाटर भी खाए हैं, गोभी भी ले आके खाए हैं। हाँ। अच्छा स्वाद लगता है इसका, उस खेत से अच्छा लगता है। हाँ। आप अरशद जी, आपके भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप भी साथ में उनका कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, आगे प्रोग्रेस हो, ये हम लोग का भी है कि अच्छा हो। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और अभी हम मघेली फलका में मौजूद हैं, मघेली है ना, दयालपुर फलका में मौजूद हैं, और हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम कुछ आपको बेहतर बता सके। बेहतर क्या, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल आप और हम कोई भी इंसान हो, डॉक्टरी के पीछे पागल है, यानी कि हर परिवार में कोई ना कोई आदमी अभी बीमार पड़ ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खान पियान जो हम लोग का है ना, वो टोटल जहर हो गया है। जहर समझ रहे हैं आप? और हम तो नहीं समझते हैं, क्योंकि जहाँ फसल उगता है वहाँ तो हम और आप अक्सर नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि उस पर जो स्प्रे होता है ना, उसको कीटनाशक बोलते हैं। और हम आपको बताएंगे कि वो कीटनाशक इतना प्रयोग हो रहा है कि इसका वर्णन हम किसी भी लफ्ज में नहीं कर सकते हैं। लेकिन एगो किसान के पास आए हैं या लोगों को आशा दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए हम कीटनाशक का प्रयोग, खाद का प्रयोग, जो रासायनिक खाद यूरिया जानते हैं ना, DAP, उसका प्रयोग जो लोग कर रहे हैं ना, ये बेचारा इनका लड़का कहीं बाहर से पढ़ के आए हैं और वो यहाँ खेती जो कर रहे हैं पूर्णतः स्वदेशी स्टाइल में कर रहे हैं, यानी कि
हम कहेंगे कि रासायनिक खाद का तनियो प्रयोग नहीं है और यह बेचारा इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इसका वर्णन हम किसी भी लफ्ज में नहीं कर सकते। अब क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं बाबा रामदेव भी बोलते हैं कि भैया रासायनिक खाद का प्रयोग मत करो और जो भी चीज़ है वो ऑर्गेनिक हो। तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो है, हम बोलेंगे दिखाओ तनिषा, ये गोबर है आ इसमें जानते हैं चेरा डाला गया है और इतना अच्छा काम करेगा कि इसका साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं है। अब बीमारी से कम जरूर बचिएगा और डॉक्टर साहब के पास जाके लंबा लंबा लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। हम पूरा डिटेल में वीडियो में दिखा रहे हैं, आप देखिए और समझिए। और कम से कम आपके पास अगर कुछ खेती है ना, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक खेती कीजिए और कम से कम अपने परिवार को तो सुरक्षित रखिए हजूर, कम से कम उनको अच्छा खिलाइएगा ना, तो धीरे 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 सब कोई खाने लगेगा। वैसे आपको मालूम नहीं होगा कि जब यूरिया आया था ना तो लोगों को बताया जा रहा था कि यूरिया डालो और खेत में उपज लो, लेकिन लोग नहीं करता था। तो इफ्को क्या किया कि रात में किसी का फसल में आके यूरिया मार के चल जाता था। सुबह दो तीन दिन के बाद जब लोग देखता था कि भैया हमारा खेत कैसे हरा भरा हो गया, तो भाई यूरिया का कमाल है, बाद में धीरे धीरे प्रचलन बढ़ा। अब इतना बढ़ गया है कि हम लोग का जमीन बंजर होते जा रहा है। अब बंजर क्यों नहीं होगा, इसका उदाहरण है कि आप किलो का किलो खाली रासायनिक खाद दीजिएगा तो केला का खेती विलुप्त हो गया। इसी तरह पंजाब में भी स्थिति खराब है। अब भैया आप और हमको, हमारा फर्ज है कि जो हम अपने बाल बच्चों को जन्म देते हैं कम से कम उनके लिए तो कुछ छोड़ के जाए। पूरा मरुभूमि बना दीजिएगा तो फिर उनके लिए क्या छोड़ के जाइएगा। इसीलिए यह खेती अगर आपको समझ में नहीं आता है, नजीर हुसैन साहब के लड़के जो हैं अरशद बाबू और अशरफ बाबू, इन दोनों के आप अगर इन दोनों को नहीं जानते हैं तो नजीर साहब को तो ज़रूर जानते होंगे, जिला परिषद रह चुके हैं। और आप इनके घर आइए, इनसे समझिए और कुछ कोशिश कीजिए कि कुछ दुनिया का बेहतरी कर सके। टॉनिक बना है, क्या बना है इसमें? ये जो है रासायनिक आपको जो स्प्रे मशीन ये होता है, ये जहर अपना जंगल से जहर तैयार किया हुआ है जिसे कीटनाशक में यूज करते हैं, जो अच्छा। कि इंसान के शरीर में इसके खुद से पेस्टिसाइड बनाया हुआ है। जी ये मेरा लड़का किया है। अच्छा, और वो अभी नहीं है, वो बाहर है। अच्छा, गंध आप देखिए, ये खुद से ऑर्गेनिक खुद से स्प्रे बना रहे हैं, जैसे जंगल से अच्छा, मतलब मिर्चैन का, बुकनी से, विभिन्न तरह का जहर का, ये उससे ये हुआ है, ये हो गया कीटनाशक। अच्छा अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ड्राम, ये है टॉनिक। अच्छा, जिसको ये बोला जाता है ना कि टॉनिक, टॉनिक, हाँ टॉनिक, ये टॉनिक विटामिन जी, ये विटामिन है, विटामिन का स्प्रे इससे किया जाता है। ये खुद से बना है? खुद से बना है। आपके लड़के जो है, जो लड़का मेरा है, वो लगभग 17 तरह का तत्व जो पत्थर का पहाड़ का होता है, कहाँ कहाँ से लाके उसमें क्या क्या मिला के ये स्प्रे तैयार किया है। ये स्प्रे टॉनिक के रूप में, ये स्प्रे जहर के रूप में, ये जो है पाला का जो डायथेम 45 होता है, जो पाला से बचने के लिए उसका यूज इसमें हो रहा है। अच्छा, ये अपने से तैयार, डायथेम 45 अपने से बना है? अपने से बना है स्प्रे के रूप में। अच्छा, ताकि ये पाला अगर लगे तो ये स्प्रे, वो कीटनाशक का स्प्रे ये है। अच्छा, ये जैविक खाद जो अभी थोड़ा थोड़ा हम स्टार्टिंग में ये निकला हुआ है, ये मुट्ठी में देखा मैं खुली कर, तो ये हम निकाल के स्टॉक में रख रहे हैं। अभी जो हमारा फसल में यूज करके जो बचा हुआ है वो अभी ये भी खाद खुद से आप लोग बनाए हैं, आपके लड़के? हाँ, अब जहाँ ये बन रहा है इसको आप देख सकते हैं हाथ में लेके, ये देखिए कि एकदम चाय पत्ती की तरह जो है, DAP से ज़्यादा सुंदर ये खाद है, इसको आप देख सकते हैं। इसको यूज जो है कि किसी भी फसल में आप DAP के रूप में कर सकते हैं, और इसी खाद से अभी हमारा वो फसल अभी तक यहाँ